तो इस वीडियो को व्यूज पूरा देखना, मुकम्मल देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ऑफिशियल साकिब के यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बार फिर आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आज मैं आपको जो टिप्स देने जा रहा हूँ, इसके थ्रू आप अपने मोबाइल को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और एक मोबाइल से आप दो मोबाइल जितना काम ले सकते हैं। जी हाँ व्यूज, तो जो व्यूज इस चैनल पर नए हैं आए हैं वो जल्दी से पहले वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जल्दी से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए बटन पर लिंक में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर आए और वहाँ फॉलो करें। और तो आपका मजीद कीमती वक्त जाए कि वगैरह हम अपने वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, अब मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को आप दो हिस्सों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपके अपने मोबाइल की जो कंपेटिबिलिटी है वो स्प्लिट स्क्रीन का वो ऑप्शन है वो आपके मोबाइल में इनेबल ज़रूर होना चाहिए। तो ये तकरीबन सैमसंग के ये जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुए हैं, इनमें तकरीबन सभी में ये स्प्लिट मोड का बटन होता है। लेकिन कई जो वीवो मोबाइल वगैरह जो अब अपडेटेड आए हैं, इनमें तो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन ही होता है, सैमसंग में भी होता है। तो आप लिहाजा अपने मोबाइल में चेक कीजिएगा स्प्लिट बटन है या नहीं। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मैं आपको अपने आपके मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन का जो बटन है वो इनेबल भी कराऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं इसमें स्प्लिट स्क्रीन का बटन जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को दो हिस्सों में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये फीचर स्प्लिट स्क्रीन का एक बटन होता है आपके अपने मोबाइल में। तो मैं सैमसंग J7 2016 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें स्प्लिट स्क्रीन का जो है बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन कई मोबाइल में ऑलरेडी होता है। और जो ये जो वीवोज के मोबाइल में, इसमें तो मेन्यू में स्प्लिट स्क्रीन का बटन दिया है, आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का बटन। अगर नहीं है तो आप अपने सैमसंग के मोबाइल में, आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर किसी और दोस्त के मोबाइल में वो जो है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में आप वो बिल्ट इन फंक्शन कैसे ला सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का। तो फिर अभी फ़िलहाल मैं ये जो बिल्ट इन फंक्शन उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन को दो हिस्सों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप उससे जो है ओपन कीजिए। तो मैं सबसे पहले YouTube ओपन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तरफ मेरे YouTube चले और नीचे मैं कोई Facebook या Instagram वगैरह चलाऊँ। तो मैं देख चलता हूँ। तो जैसे कि ये मैं अपनी एक CV का डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये एक साइड पे मैं ये देखता हूँ और दूसरी साइड पे ये मैंने जो है प्रेस का बटन किया। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये दो डॉट्स से बने हुए हैं दो बॉक्स। तो इसको ये स्प्लिट स्क्रीन का ही बटन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ये एक स्क्रीन ऊपर हो गई और नीचे ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने बैक कर दिया, तो यहाँ से फिर स्प्लिट स्क्रीन और यहाँ से मैं जनाब चाहता हूँ कि जो है वो फेसबुक में चला लेता हूँ। तो ये एक तरफ मैं फेसबुक आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने फेसबुक चला ली है। तो अब आप देख सकते हैं, ये मैं इसको यूट्यूब को भी चला लेता हूँ और ये इसकी स्क्रीन को थोड़ा, हाँ जी ये देखें, ये मुकम्मल वीडियो है जो आप वीडियो भी देख रहे हैं और आप जनाब वो फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं। ईज़िली विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो फंक्शन है जो सैमसंग ने दिया है अपने मोबाइल में। इसके अलावा वीवो मोबाइल, ओप्पो मोबाइल में तो ये बिल्ट इन फंक्शन आ रहा है। तो आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए। इसके अलावा आप जनाब जो है आप SMS भी कर सकते हैं। मैं अब SMS पे आ जाता हूँ।
और ये देखते रहना। जी तो फ्रेंड, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मजीद इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।